गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी सुबह के बज रखे हैं 8 और मैं अभी सो के उठा था और मैंने बाहर देखा निकल के, जो आपको दिखाता हूँ पहले। मतलब अभी मैं बाहर निकला भी नहीं हूँ। और एक मिनट, ये देखो तुम लेवल देख पा रहे हो स्नो का, यहाँ तक है, 1-2 फुट है शायद ये। अरे गेट भी निकल रहा, देखो गाइस ये देखो, इसे कहते हैं स्नोफॉल, हार्ड स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल। और ये देख रहे हो तुम टेबल को, टेबल भी कैसा, कितने लेयर है उस पर बर्फ की। मैं सोच रहा था ये बाहर निकलता हूँ और देख के आता हूँ वीडियो के लिए, वरना तो मैं सोने उम्मीद प्लानिंग थी मेरी, पर अब वीडियो के लिए मैं सोच रहा हूँ बाहर दिखा के लाता हूँ कितनी स्नो रखी, रोड कैसे हो रखे हैं। चलो चलते हैं बाहर। तो भाई मैंने अपनी जैकेट जुकेट पहन ली है, बहुत ठंडा बहुत। अरे गेट ही नहीं खुल रहा है यार। ओके मिलता हूँ बाद में। और मैंने पहला कदम देखा टेका और इतनी ज़्यादा स्नो है, मुझे नीचे तो ऐसा रहूँगा तो शिट, गलती तो नहीं करती बाहर आ गए। गाइस देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्नो हो रही है बाहर, तो मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ बाहर निकले हुए, अरे बच गया, गिर जाता ही मैं। आज मैंने गिम्बल पे लगाया फ़ोन, गिम्बल भी यूज़ करे बहुत दिन हो गए थे। देखते हैं बाहर क्या सीन है। तो भाई मैं बाहर आ गया हूँ मुश्किल से, और मेरे सारे शूज़ में स्नोज आ चुकी है, स्नो शूज़ है मेरे, उसमें भी स्नोज आ चुकी है। मैं इतनी देर घूमने जा चुका हूँ इंडिया में, लद्दाख नारकंडा जहाँ हैवी स्नोफॉल होती है, पहलगाम में भी होती है, लेकिन इतनी स्नो नहीं देखी मैंने आज तक। ये देख रहे हो मेरा पैर भी नहीं दिख रहा नीचे, और अभी भी नीचे रखा नहीं है मैंने ढंग से, नीचे जमी हुई है वो स्नो। और ये देखो तुम, ये देखो अभी भी इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, शिट। ये मेरी पहली हैवी स्नोफॉल है कनाडा में, सबसे पहली हैवी स्नो, यहाँ चलना भी मुश्किल हो रहा है। और गाड़ी को देखो, हाँ यहाँ सीढ़ी हुआ करती, कहाँ गई भाई। मेरे जूते देखो, जूतों में समझ आ चुके पूरी, ये स्ट्रगल्स इन कनाडा, स्ट्रगल्स देखो तुम। अरे यार और गाड़ी देखो कैसी हो रखी है, देखो साइड में देखो इसके, बस निकल तो जाएगी इसमें से, इतना तो पक्का कॉन्फिडेंस हुआ है कि चीरती उनकी स्नो को, सोच रहा था निकाल लूँ। पर तुम देख पा रहे हो आसपास क्या सीन है, आज कोई भी गाड़ी नहीं चल रही रोड पे, कोई भी। और ये निकालने के पहले इसको साफ करना पड़ेगा, उसमें लगेगा आधा घंटा मिनिमम। हाथ ही पूरे जम चुके हैं, मैंने एक ग्लव पहना हुआ है, दूसरा नहीं पहना हुआ, दूसरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, देख लो तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। कि इतनी हैवी स्नोफॉल में जब घर के अंदर कॉफ़ी पी के पड़े रहना चाहिए ना, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये देख सकते हो तुम, उनको दिखाता हूँ तुम्हें कुछ, इस साइड देखो गाड़ियों का हाल, देखो तुम इस साइड क्या हाल हो रखा है, उसका टायर भी नहीं दिख रहे, गाड़ी नहीं दिख रही, उसके ऊपर हल्का सा पोर्शन रह रहा है उसका, उसका तो गाड़ी गायब हो जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सब इतनी हैवी
हर बार होती है या कैसा सीन होता है? मेरे लिए सबसे पहली बार इतनी ज्यादा दिखी आज तक जिंदगी में। देखो उसका पीछे वाला टायर, देखो उस गाड़ी का साइड में, देखो ये पूरा बम्पर अंदर जा रखा है इसका, तो इसको निकाल लो कैसे। आज मेरे ख्याल से हर जगह छुट्टी हो गया है। गेट का रास्ता देखो कैसा है, मेरे से आधी हाइट जितना होगा ये। मैं 6 फुट का हूँ पूरा, मतलब 3 फुट की बर्फ है ये। आज सुबह मैं उठा और सुबह 6 बजे किसी का कॉल आ रखे, 2 मेरे पास, और मैं सोचू कौन इतना पावर है कि सुबह सुबह फ़ोन कर रहा है 6 बजे, वो भी इतने स्नो स्टॉप में। फिर मैंने उठाया उसमें, मतलब ऑटोमेटेड कॉल थी हमारी यूनिवर्सिटी से कि आज सब कुछ बंद रहेगा, किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आज ब्लिजर्ड वार्निंग है यहाँ पे ओंटेरियो में, खासकर मिसिसागा ब्रैम्पटन में ब्लिजर्ड वार्निंग। तो इत हर जगह ही मेला रखी है कि आज घर से बाहर मत निकलो, मत करो, मगर ठीक है, बढ़िया है, ये सिस्टम ठीक है। इंडिया में होते तो भाई चांद तूफान आ रहा है बाहर, काम पे कॉलेज जाना ज़रूरी है। शिट, अब मैं भाई अंदर जा रहा हूँ, बहुत हो गया, हाथ जम गया ना पूरा। तो भाई ये फ़र्क है बाहर और अंदर में, देखो बाहर बिल्कुल है -20 डिग्री और अंदर देखो मैं आधी बात जो उसकी शर्ट पहन के बैठा हूँ। तो ये हर जगह यहाँ पे आप जैसे घर से बाहर निकलते हो, यहाँ घर पूरा हीटेड है, फिर आप यहाँ से जो गाड़ी का सफ़र होता है बस आपको वहाँ ठंड मिलेगी, फिर गाड़ी पूरी हीटेड होती है, फिर हीटेड गाड़ी से आप सीधा कहीं पे आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, तो वहाँ पे होती है इंडोर पार्किंग भी होती है कई जगह, लेकिन बाहर आउटडोर पार्किंग भी होती है। तो जैसे आप खड़ी कर दोगे ना बाहर और आप अंदर घुसोगे तो बस वो डिस्टेंस होता है और एक यहाँ से गाड़ी तक कड़े इतना ही, बस आपको बाहर रहना होता है। आप हर जगह सेंट्रल हीटिंग है, हर जगह, मतलब छोटे छोटे स्टोर में भी चले जाओगे ना वहाँ पे भी सेंट्रल हीटिंग है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए यहाँ पे लोग जी पाते हैं। लोग पूछते हैं ना कि -20 डिग्री में कैसे रह रहा है भाई, तो ऐसे रह रहे हैं। तो भाई वेलकम बैक, अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं सो गया था, सुबह खेल रहा था बहुत, लेकिन फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो अभी पापा कह रहे थे कि मैं बाहर स्नो साफ़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे खुद ही करनी पड़ती है सारी चीज़ें, यहाँ पे जो हमारे घर के बाहर स्नो है वो तो हमें ही साफ़ करनी पड़ेगी ना। तो मैं बोला चलो मैं भी चलता हूँ, आज्ञाकारी बच्चा हूँ ना मैं, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ और हम दोनों स्नो उठाएंगे। उससे ज़्यादा स्नो हो चुकी है, दो पापा खड़े पीछे, तो जब मैं सुबह गया था उससे भी ज़्यादा स्नो हो चुकी है। अब तो बाहर निकल के देखते हैं, सो के अभी उठा ही था, सब निकल रहा हूँ बाहर। तो मैंने अभी वही कपड़े पहन लिए सुबह पहने थे, क्योंकि ये गंदे हो रखे थे, फिर और गंदे क्यों करने हैं, तो इनको बाद में सबको धो ही देंगे साफ़ करने के बाद। और एक मिनट रुको, तो वही देखो कितनी ज़्यादा स्नो हो चुकी है, देखो अब वो कितना ऊपर पहुँच गया वहाँ पे, अंधेरा सा होने लग गया है। ये गेट गेट ही खोलना मुश्किल हो रखा है। देखो गाइस मेरा पैर के यहाँ तक अंदर जा चुका है, देखो इतनी ज़्यादा स्नो है। ओए होए पकड़ना एक बार, दिखाना कितनी स्नो है। मैं कितना नीचे जा चुका हूँ, यहाँ तक है, गोड्डा तक आ गया। तो गाइस पता है अभी ठंड नहीं है, वैसे कितनी स्नो हो रखी है लेकिन ठंड नहीं लग रही। और दिन -20 जाता था और हवा चलती थी लेकिन स्नो नहीं होती थी, आज -15 के आसपास है और लेकिन ठंड नहीं है जैसे और दिन ठंड लगती थी। और उस साइड देखो वो बिल्डिंग दिख रही है अपनी सारी, अपने वहाँ पे रिवर भी वहाँ करती, वो भी जम गई होगी। देखो उस साइड देखो कितनी सुंदर लग रही है। आज हर जगह रोड बंद हो चुके हैं, हाईवे हुए सब कुछ क्लोज। यहाँ तो सोच रहा हूँ स्नोमैन बना लूँ, बनाएंगे अगली स्नो बनाएंगे, आज लेट हो गए। अरे अपनी गाड़ी कहाँ बीच में फंसी है स्नो के, इतनी सारी स्नो, ये देखो भाई पहाड़ बन चुका है।
तो पापा को देखो, पापा भी पूरा तो माफिया नहीं होते वैसे, उस टाइप से लग रहा है, काले काले सब कुछ पहन लिया जवान लग रहे हो आज, पता नहीं क्यों। चलो मैं हटाता हूँ पकड़ो। मेरा फोन मेरे से 10 बार गिर चुका है यहाँ पे, हाथ में से फिसल के, पता नहीं क्या हो गया फोन को भी। और बाबा दिखा रहा है कम स्टोरेज है काफ़ी। ओए यार रोड वाले भी नहीं आए क्या, इसको रोड साफ कर, मतलब रोड पे स्नो हटाते हैं। तो सब लोग आगे यही है यहाँ पे, सब शाम को अपना स्नो हटाते हैं, सब ने हटा लिया मोस्टली सब ने। और देखो लेकिन रोड पे एक भी गाड़ी नहीं चली अब तक, तो बस वगैरह चल रही है। पापा यहाँ पे स्नो हटाए जा रहे हटाए जा रहे हैं, ख़त्म नहीं होगी तेरी स्नो। अभी हम गाड़ी इसलिए पीछे कर रहे थे कि जो आगे गाड़ी स्नो है ना वो हट जाए। भाई कुछ कहो, ये लगी मुझे मस्त चीज जो स्नो फेंक रही है ना, ये सारी स्नो को आगे मार दी। मुझे कह रहा आगे कर दो गाड़ी, आगे कैसे दिख ही नहीं रहा कुछ। ओके ओके नजारे हैं, ये देखो नजारे भाई लोग। ये तो सिर्फ शुरुआत है, यहाँ पर मैंने सुनी कि इससे ज़्यादा भी स्नो होती है, इससे कम भी होती है, लेकिन ये सही स्नो है तो मैं देख रहा हूँ। मतलब मैंने इतनी नहीं देखी थी पहले, लद्दाख में भी देखी मैंने इतनी। तो भाई इतनी एक्सरसाइज के बाद अभी मैं नहा धो के घर पर आके बैठा हूँ। ये स्नो इतनी ज़रूरी थी साफ़ करनी, क्योंकि अगर हम इसको सुबह साफ़ करते तो ये इम्पॉसिबल हो जाती है, बहुत जम जाती है स्नो। अभी बिल्कुल फ्रेश स्नो थी तो ईज़िली हट जाती है ये, तो इसलिए हमने अभी शाम को साफ़ करी, इसलिए यहाँ सब शाम को ही साफ़ करते हैं ताकि वो साथ के साथ हट जाए। अब सुबह तक वेट करते हैं तो बिल्कुल जम जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, और मिलते हैं अगले वीडियो तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।